संघ ये चाहता है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों से कि जो श्रमिक विरोधी कानून उन्होंने अभी पारित किए हैं उन कानूनों में श्रमिकों के हितों का अनदेखी की गई है, जिससे श्रमिक वापस गुलामी की ओर जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, 100 से अधिक आदमी जिसमें हैं उनको वो ये नहीं है कि आप फैक्ट्री बंद करेगा तो मालिक को गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं। हायर एंड फायर की जो नीति है उसके हिसाब से जो सरकार काम कर रही है हम उसका विरोध करने के लिए एकत्रित है। दूसरा सबसे बड़ा जो शोषण का शिकार सरकार कर रही है वो ठेका कर्मी, मानदेय कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों के नाम पर जो सरकार शोषण कर रही है। वर्षों से काम कर रहे हैं, 50-50 साल हो गए लोगों को काम करते हुए, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रही है, हमारी बहनें 30 साल से काम कर रही है, लेकिन इनको अभी तक परमानेंट नहीं कर रही, जबकि काम परमानेंट की तरह कर रही है। आज कितने संगठन में भाग लिया? आज हमारे यहाँ भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए 27 संगठनों के व्यक्तियों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए, हमने 2-2, 4-4 लोगों को हर एक संगठन से बुलाया था, उनको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये कार्यक्रम किया। अब हम अगर सरकार हमारी बातों पर तवज्जो नहीं देती है तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, फिर हम आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारियाँ देंगे।